हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना फर्स्ट मेथड हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसके अंदर सेकंड केस। हमने लास्ट क्लास में किया था एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहला केस सिंपल एवरेज, बस सिंपल एवरेज निकाली। सिंपल एवरेज कैसे निकाली, जितने भी प्रॉफिट्स दे रखे होते हैं 1 2 3 जितने भी प्रॉफिट है सब पर टोटल किया, फिर टोटल डिवाइडेड बाय 3 कर दिया क्योंकि 3 साल है, फिर उसे ईयर परचेज से इनटू कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट केस में होती है। अब हम करेंगे फर्स्ट मेथड में ही सेकंड केस एवरेज मेंटेनेबल। मेंटेनेबल मतलब यहां पर क्या है उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको किसी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ 2 ईयर परचेज। ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं रखा होगा और इसमें आपका दिमाग भी नहीं लगाना, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ये 10 दे रखा है तो इसे इंप्रूव कर दीजिए बस। और कुछ नहीं, मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ। तो आपको किसी फर्म के 3 सालों के आंकड़े दे रखे हैं कि फर्म ने 15-16 में 20,000 रुपए कमाए, 16-17 में 40,000 रुपए कमाए, 17-18 में 42,000 रुपए। ये 3 साल आपको दे रखे हैं, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई किसी साल का लॉस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले साल को देखिए, 15-16 में जो 20,000 रुपए कमाए हैं इसके अंदर विद एबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000, ये जो 20,000 रुपए फर्म ने कमाए थे, इस फर्म जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस फर्म की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस फर्म ने इस साल में 20,000 रुपए कमाए, लेकिन इस 20,000 रुपए के अंदर विद के साथ इस 20,000 में एक ऐसा एबनॉर्मल गेन शामिल है जो कि 5,000 रुपए का था। इस साल की बात करें, इस साल जो 40,000 रुपए कमाए गए, इस 40,000 के अंदर एक एबनॉर्मल लॉस शामिल है। विद का मतलब इंक्लूड है, उसमें शामिल है। मैंने टाइम थोड़ी यहाँ पर लिखते टाइम थोड़ी चेंज कर दी, जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना है उसमें मैंने इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इस तरह से वर्ड यूज किया। तो इस साल जो 40,000 रुपए कमाए गए उस 40,000 के अंदर एक एबनॉर्मल लॉस भी शामिल है 10,000 रुपए का। इस साल में एबनॉर्मल गेन शामिल था, इस साल में एबनॉर्मल लॉस शामिल है, और इस 42,000 जो हमने कमाए हैं इस साल में क्या हुआ है, हमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम करवा लेना चाहिए था 2,000 रुपए का, लेकिन हमने इसके बिना ही 42,000 रुपए कमाए। यानी कि इस साल का जो प्रॉफिट है 42,000, इस प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया, इस प्रॉफिट को प्राप्त किया इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किए बिना, विदाउट मतलब के बिना। एक एक करके देखते हैं, 20,000 रुपए का प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन के साथ। अब आप ये सोचिए, एक होता है नॉर्मल गेन, एक होता है एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल गेन मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, हमने माल बेचा, 100 रुपए का माल खरीदा था, 120 रुपए का बेचा, 110 रुपए का बेचा, 115 रुपए का बेचा, 117 रुपए का बेचा, तो कॉस्ट के ऊपर जितना भी हम कमाते हैं वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। हर कोई बिजनेस यही करता है, माल खरीद के लाता है बेचता है, तो जितना भी हमने प्रॉफिट अर्न किया वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन हमने 100 रुपए का माल खरीदा और बाजार में अचानक ही महामंदी की वो बहुत ही महातेजी की स्थिति हो गई, और जो 100 रुपए का माल है वो 1,00,000 रुपए का बिक रहा है, 100 रुपए का माल 1,00,000 रुपए का बिक रहा है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है पानी नहीं बिकता कितना महंगा महंगा, वो भी तो है सिचुएशन। एक पानी की बोतल अगर सिचुएशन एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाए तो 1,000,000 रुपए की बिकती है। क्या एक नॉर्मल सिचुएशन में समझिए कि अगर सपोज किसी बिजनेस को एक ऐसी विशेष परिस्थिति की वजह से अचानक ही बहुत ही मोटा प्रॉफिट मिल जाए जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। तो वैसे तो देखिए पूरे साल में कमाया 20,000 है और वहां पर अगर एबनॉर्मल गेन 25% के आसपास यानी 5,000 रुपए का हो जाए तो वो हर साल थोड़ी ना होगा, जबकि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी चीज पर ध्यान देना है। मैं इसके प्रॉफिट में से इस 5,000 को निकाल के फेंक नहीं रहा कि भी हटा दो इस प्रॉफिट को वापसी कर दो जिससे हमने प्राप्त किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपसे, लेकिन मैं उससे इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो 20,000 रुपए कमाया गया है इसके अंदर जो ये 5,000 रुपए शामिल है उसको फिलहाल गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हटा दीजिए। इन शॉर्ट गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा नॉर्मल सिचुएशन को कंसिडर किया जाता है कि व्यवसाय के सामान्य परिस्थितियों में आप कितना कमा पाते हैं। तो अगर ये 5,000 रुपए का जो हमें मिला है नॉर्मल बेस पे मिला है, अगर ये नहीं मिलता तो हमारे इस साल का प्रॉफिट कितना रह जाता, केवल 15,000। हमने कमाया जरूर 20,000, लेकिन इस 20,000 में ये 5,000 शामिल है जो ये 5,000 हमें हर साल
नहीं मिलेंगे। इस साल मिल गए गलती से, हर साल थोड़ी ना मिलेंगे। देखो इस साल कहाँ मिला, इस साल कहाँ मिला, अगले आने वाले सालों में मिलने के चांस है। तो अगर ये 5000 नहीं होते तो नॉर्मल सिचुएशन अगर होती यहाँ पर इस साल तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता, 15000। तो इसी तरह से बात करेंगे आंसर नंबर टू की, 2015-16 प्रॉफिट्स और यहां पे आ जाएगा मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इससे तो सबसे पहला साल जो है 2015-16 इसमें हमारे यहाँ प्रॉफिट 20000 रुपए का, लेकिन ये 20000 रुपए 5000 को शामिल करने के बाद है, वो 5000 रुपए यहां से हटाने पड़ेंगे। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब कि जो ऐसा प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में भी मेंटेन कर सके। तो 20000 हमने कमाया है, लेकिन ये 5000 अगर हम हटा दें तो जो 15000 रुपए का आएगा प्रॉफिट, वो ऐसा प्रॉफिट होगा जो भविष्य में भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ये सामान्य परिस्थिति वाला प्रॉफिट है कि इस साल अगर सामान्य परिस्थिति रही होती तो हम 15000 रुपए ही कमा पाते, वो तो इस 5000 की वजह से हमारा प्रॉफिट 20000 रुपए हो गया था, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट केवल 15000 है। इसी तरह से दूसरा साल देखते हैं 2016-17 हमने कमाया था 40000, लेकिन इस साल हुआ क्या, हमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया, माल हमारा चोरी हो गया, माल में गोदाम के अंदर आग लग गई, ठीक है। तो इस तरह की एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, उस एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया 10000 रुपए का। क्या हर साल में चोरी होगा, क्या हर साल आग लगेगी फैक्ट्री के अंदर, सामान्य अगर ऐसा हो, लेकिन ये सिचुएशन एक्सेप्शनल सिचुएशन है, हर साल नहीं होती। तो अगर नॉर्मल परिस्थिति रहती, अगर बिजनेस में इस साल नॉर्मल परिस्थिति रहती तो हमारा प्रॉफिट 40000 नहीं होता, 50000 होता। मतलब अगर नॉर्मल परिस्थिति रहती तो हमारा ये फैक्ट्री के अंदर जो नुकसान हुआ वो नुकसान नहीं होता, और अगर नुकसान नहीं होता तो ये 10000 रुपये हमारे जेब से जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो ये पैसा हमारे पास ही पड़ा रहता, और जब हमारे पास पड़ा रहता तो हमारा प्रॉफिट 40000 की बजाय क्या होता, 10000 उसमें और ज़्यादा बढ़ जाते, तो कितना हो जाता, 50000। यानी कि 40 में से इस 10000 जो हमारे पास चले हैं इसे प्लस करना पड़ेगा तो हमारा इस साल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50000। ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूँ, 2015-16 का प्रॉफिट 15000 नहीं है। अगर इनकम टैक्स के लिए शो किया जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए शो किया जाए, अगर क्रेडिटर्स के लिए शो किया जाए, अगर इन्वेस्टर्स के लिए शो किया जाए, अगर बैंक के लिए शो किया जाए, तो हर जगह हमारा प्रॉफिट 20000 और 40000 और 42000 दिखाएंगे। ये तो सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए, हम अपने लिए, ठीक है, हम अपने लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल सिचुएशन में प्रॉफिट कितना होगा। रियल सिचुएशन तो यही है कि 20000, 40000 और 42000, ठीक है। तो इस साल का हमारा प्रॉफिट था 40000, जो मैं इस साल की बात करूं, इस साल का प्रॉफिट हमारे पास 40000, लेकिन इस साल हमें लॉस हो गया था, तो प्रॉफिट तो है तो 40000, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हम जस्ट एक नॉर्मल सिचुएशन की बात सोच रहे हैं कि अगर वो नुकसान नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता, 50000। इसी तरह से तीसरा साल देख लिया, तीसरा साल 17-18 तो हमारा प्रॉफिट है 42000 का, तो हमारा प्रॉफिट है 42000। इस 42000 में हमारा एक ऐसा खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम का 2000 रुपए जो हमने नहीं करवाया किए बिना। इस 42000 के अंदर हमें एक ऐसा एक्सपेंस पे करना चाहिए था जो कि माल के लिए हमें इंश्योरेंस वगैरह करवाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं करवाया। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो हर बिजनेस अपने माल को सिक्योर करके चलता है, अपनी फैक्ट्री को सिक्योर करके चलता है, अपने लेबर वगैरह को सिक्योरिटी चाहता है कि कोई नुकसान ना हो, तो हर कोई उसके लिए अपना इंश्योरेंस करवाता है, लेकिन हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया जबकि नॉर्मल सिचुएशन में इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो अगर इंश्योरेंस करवाया जाता तो इस साल का हमारा 42000 का प्रॉफिट नहीं होता, हमारी जेब से खर्चा और निकलता, जब खर्चा निकलता तो पैसे कम हो जाते, तो हमारा प्रॉफिट कितने का रह जाता नॉर्मल सिचुएशन में, 40000। प्रॉफिट है हमारा 42000, हम उससे कुछ छीन नहीं रहे कि 2000 रुपये निकाल करके दे दें, तो गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे थे 2000 रुपये खर्च हो गए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे उससे, लेकिन 42000 जो कमाया गया इस बिजनेस के द्वारा, उस 42000 में एक
चार्ज शामिल नहीं था। तो हर एक बिजनेस को अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल बिजनेस जो करते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो नॉर्मल बिजनेस इस पैसे को खर्च करते हैं, इस एक्सपेंस को पे करते हैं, ठीक है। तो जब सारे बिजनेस इस एक्सपेंस को पे करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो हमने इस प्रॉफिट में से इस खर्च को माइनस कर दिया, तो जो अब प्रॉफिट आया है नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये हमारा 40,000 दिया है मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको मेंटेन किया जा सके नॉर्मल सिचुएशन में। तो नॉर्मल सिचुएशन में 20,000 में से 5,000 अपनी इनकम को हटा दिया, 15,000 बचा, 40,000 में 10,000 दोबारा से छोड़ दिए जो लॉस हो गया, और 42,000 में से 2,000 रुपये घटा दिए जो कि नॉर्मल एक खर्चा था, नॉर्मल खर्चा। तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट आए हैं वो ये आए। अब हम इनको देखेंगे नहीं, जो लास्ट केस किया था उसमें हमने 20,000 40,000 रुपये ऐसे को जोड़ा था, लेकिन सेकेंड केस के मेथड में जब हम बात करेंगे तो अब हम मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या आया, हमने ये मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाले और जो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया आपके पास 40,50,90, 105,000। इन तीनों का टोटल करना है, इसका नहीं, 20, 40, 42 का टोटल ही करना। जो घटाने और बढ़ाने के बाद यानी प्लस और माइनस करने के बाद जो जो प्रॉफिट आए हैं उनका टोटल किया जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, नहीं कह रहे ये क्या कह रहेगा, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट 105,000। उसके बाद का स्टेप हमारा वही है, फाइंड आउट एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये निकलता है टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारे पास 105,000 और नंबर ऑफ ईयर है 3, तो ये आ गया हमारे पास 35,000 एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। और लास्ट है गुडविल, फाइंड आउट गुडविल। गुडविल बराबर होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया हमारा 35,000। ईयर परचेज दे रखा है 2 ईयर परचेज, ये मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में, देगा ही देगा। तो गुडविल आ गई हमारा 70,000। सबसे पहले टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, वहां पर टोटल प्रॉफिट निकालते थे, यहां पे क्या निकाला जाएगा, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। और मेंटेनेबल प्रॉफिट इस तरह से प्लस माइनस करने के बाद है, टोटल मेंटेनेबल आ गया, फिर इसकी एवरेज निकाली और बाद में इस एवरेज को ईयर परचेज से इंटू कर दिया, तो गुडविल आ गई 70,000। ये था हमारा फर्स्ट मेथड का सेकंड केस। ध्यान रखिएगा कि हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने लास्ट क्लास में किया था सिंपल एवरेज, इस क्लास में हमने किया है एवरेज मेंटेनेबल, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम वेटेड एवरेज।